तो एक्सेल में कई तरह के एरर आते हैं। अब उस एरर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरर टाइप का। एरर टाइप में आपको जो है, अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, तो बताएगा कि कौन सा एरर है। तो कितने तरह के एरर होते हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एरर टाइप में जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो लिस्ट आएगा। सबसे पहले आता है NULL, हैश नल का एरर। तो अगर आपने जो रेंज दिया है उसमें अगर नल है तो आपको 1 रिटर्न करेगा, DIV 2 रिटर्न करेगा, Value 3 करेगा, RF 4 करेगा, नेम है तो 5 करेगा, तो ये सिक्वेंसिंग करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम VLOOKUP या कोई और फॉर्मूला लगाते हैं तो ओरिजिनल डेटा में भी हमें एरर होता है और फॉर्मूला ना परफॉर्म करने पे भी हमारा एरर आता है। तो उस केस में हम समझना चाहेंगे तो इसको हम एरर टाइप से समझ सकते हैं। और एरर किस में कौन से एरर आता है उसको भी समझ लेते हैं। नल का एरर जो आता है, ये आता है जब किसी डेटाबेस से एक्सेल को कनेक्ट करते हैं और डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू, कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो नल आएगा। DIV #DIV/0 जो आता है, ये कब आता है? जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। वैल्यू का एरर कब आता है? वैल्यू का एरर आता है कि जब आपने कोई फॉर्मूला लगाया है तो फॉर्मूला को सही इनपुट नहीं मिला हुआ है, फॉर्मूला को सही इनपुट नहीं मिला है, जिस कारण से वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो हैश वैल्यू कहलाएगा। हैश RF का एरर कब आता है? जब आप किसी रेफरेंस को डिलीट कर देते हैं या फिर आपने रेफरेंस ज़्यादा कम डाल दिया है। जैसे कि आप VLOOKUP लगाते हो और आपने टेबल रेंज में ए से सी का कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है और कॉलम नंबर आपने 4 दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 कॉलम है वो आपके टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हैश RF आएगा। नेम का वो बात आता है, जब कोई फॉर्मूला आप लगाते हैं अगर वो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं कि लो अपर वर्जन के फॉर्मूले आपने लोअर वर्जन में लगा दिए, तो वो सारे फॉर्मूले हैश नेम के एरर देंगे। तो दो चीजें, फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर उसका स्पेलिंग मिस्टेक है। हैश नम का एरर आता है, नंबरिंग एरर उसको बोलते हैं। जैसे डी गेट का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, जो डुप्लीकेट होती है तो हैश नम आता है। एन में नॉट अवेलेबल, किसी भी तरह के लुकअप फॉर्मूला जब लगाते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। हैश गेटिंग डेटा का जो है, मान लीजिए आपने किसी अनोदर डेटाबेस या किसी वेबसाइट या किसी अनोदर फाइल से डेटा को लिंक किया हुआ है, अगर वो डेटा उस फाइल में प्रॉब्लम है, वेबसाइट में प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका गेटिंग डेटा का एरर आएगा। उस तरह से कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है, ये आपका ब्लॉक्ड है, जैसे किसी ब्लॉक कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा तो अननोन का आएगा। तो इस तरह के एरर टाइप यूज कर सकते हैं।